बिग बॉस के ग्रैंड फिनाले सेट से एक बड़ी खबर आ रही है। हालांकि ये खबर कंफर्म है या अफवाह है, इसको लेके कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन बहुत शॉकिंग न्यूज थी तो मुझे लगा मैं आप तक जरूर लेकर आऊं। क्या अली गोनी टॉप 5 से बाहर हो गए हैं? खबरें ऐसी ही आ रही हैं कि अली आउट हो गए हैं और राखी सावंत ब्रीफकेस टास लेकर निकल चुकी हैं, और वहीं टॉप 3 हैं रुबीना, राहुल और निक्की तंबोली। तो अब लाइव वोटिंग में इन तीनों के बीच में मुकाबला होगा। बहुत शॉकिंग खबर है ये कि अगर अली गोनी टॉप 5 में से बाहर निकलते हैं, और राखी सावंत ब्रीफकेस लेकर निकल गए, इस बात में मैं सरप्राइज नहीं हूँ। लाइव फीड में उन्होंने इस बात का दावा पहले ही कर दिया था, और बिंदु दारा सिंह तो उन्हें समझा कर आए थे, सुन ब्रीफकेस देख के ना तुरंत उठा लियो। तो ये बातें आपने भी सुनी होगी। तो सेट से खबर आ रही है, हालांकि मैं आपको फिर से बोल देती हूँ कि इसको लेके कोई कॉन्फर्मेशन हमारे पास नहीं आया है सोशल मीडिया पर, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो है अफवाहें हैं कि राखी सावंत ब्रीफकेस लेके निकल गई हैं और अली गोनी टॉप 5 से आउट हो गए हैं। क्या होने वाला है ये सब रात को ही पता चलेगा, लेकिन ये अपने आप में बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली खबर है कि अगर अली गोनी, मतलब जास्मिन के फैंस भी उन्हें वोट कर रहे थे और अली गोनी वोटिंग ट्रेंड में तीसरे नंबर पर थे, और वो राहुल वैद्य को भी बीच में टक्कर देने लग गए थे, इतना कम मार्जिन था, तो मुझे वाकई में यकीन नहीं हो रहा कि ये खबर सच हो सकती है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी निक्की तंबोली आउट होंगी, राखी ब्रीफकेस लेके जाएंगी, ये बात उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ओपनली जाहिर ही कर दी थी, तो उसमें शॉकिंग वैल्यू इतनी नहीं है, लेकिन अली का बाहर निकलना बहुत ज़्यादा जो है सरप्राइज करने वाला है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट ज़रूर कीजिएगा।